Welcome to Fakutsoft. Our aim is to spread knowledge and make people more aware. हम जब भी इमेज प्रोसेसिंग का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, और इन इमेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मुझसे कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने ना फला एप्लीकेशन में काम करना है, फला एप्लीकेशन में काम करना है, तो कौन से ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, और ज़्यादा प्रिसाइज करते हैं। इमेज की अगर हम बात करें कि हमने इमेज को एक्वायर करना है, तो आपके ध्यान में क्या चीज़ आती है कि इमेज को एक्वायर करने के लिए किस किस टाइप के इमेजेस हो सकते हैं। अब टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि यार मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इमेज को बहुत दूर से ले रहा हूँ तो मेरे जहन में फ़ौरन आता है कि मैं सेटेलाइट इमेजेस लूँगा। यानी सेटेलाइट इमेजेस के आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके आप लेट्स से लैंड के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से काफ़ी डिस्टेंस से जाके लैंड के इमेजेस लेते हो और ऑब्जेक्ट्स बहुत स्मॉल स्मॉल नज़र आ रहे हैं। फिर हमारे पास डेली लाइफ के इमेजेस हैं, जो सर्विलेंस कैमराज हैं, ये हमारे पास डिजिटल कैमरा जिससे हम अपनी तस्वीरें बनाते हैं, मोबाइल कैमराज हैं, वो हमारे पास एक लिमिटेड डिस्टेंस से हम तस्वीरें बना रहे होते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास मेडिकल इमेजेस हैं जिसके अंदर एक्सरेज हमारे पास हैं, अल्ट्रासाउंड मौजूद हैं, जो हम काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिटेल में या डेप्थ में या फोर्स के साथ हम इमेजेस को एक्वायर कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ किस चीज़ से मैच होती है बेसिकली, क्या ये सारे एल्गोरिदम जो हम लेट से डिजिटल कैमरा के लिए पढ़ेंगे वो सेटेलाइट इमेज पे यूज़फुल होंगे या क्या होगा, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक बड़ी आसान सी डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है जिसको कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मुराद हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हम मुराद ये ले रहे हैं कि हमने जो हमारे पास बेसिकली लाइट है, लाइट से मुराद मे बी सूरज कह लें, से सन का कह लें, सोर्स कह लें, वो किस तरह की जो है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास तीन जो हैं बेसिकली मेन सेक्शंस बने हुए हैं, जिनमें एक अल्ट्रावायलेट है, एक इंफ्रारेड है और एक विजिबल स्पेक्ट्रम है। ये तीन हमने बनाए हुए हैं। इनको जो फर्दर डिवाइड हमने किया हुआ है वो कैसे किया है, जो अल्ट्रावायलेट है उसमें हमारे पास गामा रेज और एक्स रेज हैं। गामा रेज हमारे पास क्या होते हैं, जो बेसिकली बहुत ही स्मॉलर साइज में 0.001 नैनोमीटर्स में, फिर अल्ट्रावायलेट है 10 नैनोमीटर में, उसके बाद फिर हमारे पास ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम वो है जो ह्यूमन आई नेकेड आई के साथ देख सकती है। एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये बॉडी से पास हो जाते हैं। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो चीज़ें जो हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड में काफ़ी मशहूर उस तरह की जो अगर आप देखोगे तो फिर ये माइक्रोवेव्स हैं बेसिकली, और फिर ये रेडियो वेव्स हैं जिनको मैं सेटेलाइट का भी कह रहा था। अगेन ये भी ह्यूमन आई के साथ विजिबल नहीं है। तो अब होता क्या है कि जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट की चीज़ों को देख सकता है। अच्छा, ये जो मैंने नीचे दी हुई है सारी, ये हमने फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, या इनको हम कह सकते हैं लाइट के लिहाज से ये वेवलेंथ हैं हमारी, और ये सारी नैनोमीटर्स में हमने दी हुई हैं। नैनोमीटर्स में क्यों दी हैं, ताकि हम स्मॉलर स्पेक्ट्रम को कवर कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर हम दोबारा वापस आते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ वो क्या बताया हुआ, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो हमारी डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर हमने डिवाइड किए, और वेवलेंथ्स किस लिहाज से हमने दिया हुआ है, जो बेसिकली ब्रेन की एनर्जी को या ब्रेन जो है जिनको अंडरस्टैंड कर सकता है। और ये न्यूटन ने 1666 में इजाद किया था ये वाला स्पेक्ट्रम, और फिर इसका फ़ायदा हमारे पास अगेन क्या है कि हम सिंपल ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है वो है जो हमारा नेकेड आई देख सकती है, और बाकी स्पेक्ट्रम जो है वो इंफ्रा लोअर एंड से हायर एंड की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी डेफिनेशन वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि हम इस कोर्स के अंदर कोशिश करेंगे कि हम सबसे ज़्यादा एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के, लेकिन उनकी हल्की सी मॉडिफिकेशन के साथ आप इस तरफ भी मूव कर सकते हो और आप इस तरफ भी मूव कर सकते हो। अगेन फोकस हमारा यहाँ होगा विजिबल स्पेक्ट्रम पे, कि ऐसी इमेजेस जो हम डेली लाइफ में ले रहे हैं थ्रू डिजिटल कैमराज या हमारे मोबाइल फ़ोन्स के, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उन्हीं एल्गोरिथम्स को हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन गामा रेज, एक्स रेज इमेजेस एंड सिमिलरली ऑन सेटेलाइट इमेजेस एंड रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव इमेजेस। अच्छा, अभी अगेन सिंपल सा हमारे पर रिफ्लेक्टेड लाइट का मैकेनिज्म है, जो आप लोग बेहतर जानते हैं कि हमारे पास एक लाइट का सोर्स होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और फिर वो लाइट को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये सिंपल हमारे पास लाइट जनरेशन का जो है ये मॉडल खत्म होता है। अच्छा, अब हम यहाँ तक अभी जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, थोड़ा सा मैं अगर बताना चाहूँ तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम ये कॉपी करना चाह रहे हैं कि ह्यूमन विजुअल सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें इमेज को कैसे एक्वायर किया जाता है।